बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये मौसम अच्छा था तो आउटडोर हम एक वीलॉग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि साबिर शाकिर साहब ने एक बहुत बड़ी ख़बर दी है। कल मैंने इसके बारे में बात की थी और मैंने जो बात की थी वो उसूली तौर पर की थी, लेकिन अब साबिर शाकिर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि तसद्दुक जिलानी साहब का अपना स्टेटमेंट है। साबिर शाकिर साहब ने लिखा गया कि मोहतरम तसद्दुक जिलानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कमरा अदालत नंबर एक में चीफ जस्टिस काजी और अटारनी जनरल की तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू को बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया है। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। इन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि टी ओ आर्स पढ़ कर सुनाए गए थे और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि तसद्दुक जिलानी साहब ने अपने लेटर के अंदर जो लिखा वो कुछ और था। वो अपने लेटर में लिख रहे थे वजूहात कि ये तो अदालत को ख़त लिखा गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, वहाँ से रहनुमाई मांगी गई है। दूसरा, एग्जेक्टिव के खिलाफ ये मामला है, ख़िलाफ़ है ये मामला। तो वो उन्होंने उसूली तौर पे इसको इनकार किया था, लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने जो गुफ्तगू की वो यह क्लेम कर रहे थे कि उनकी इज़्ज़त उछाली गई सोशल मीडिया के दबाव में आकर। जो कुछ सोशल मीडिया पर कहा गया उसकी वजह से काजी फ़ायद ईसा साहब ने ये क्लेम किया कि कोई भी शरीफ आदमी होगा तो वो भाग जाएगा और क्या करेगा। तो तसद्दुक जिलानी साहब के बारे में मैंने ये सवाल कल भी उठाया था और आज उन्होंने ख़ुद इसका जवाब दिया है बकौल साबिर शाकिर साहब के। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार केस के मेरिट को देखते हुए किया है। यानी उन्होंने देखा ये केस है ही नहीं कमीशन वाला, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, केस है ही नहीं कमीशन वाला। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा सोशल मीडिया का दबाव था। जिस बंदे पे दबाव था वो कह रहा है दबाव था ही नहीं, अलबत्ता ज़मीर का दबाव ज़रूर था। अब काजी फ़ायद ईसा साहब को अदालत के अंदर ये बात दोबारा करनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया था तसद्दुक जिलानी साहब के बारे में कि उनके ऊपर सोशल मीडिया का दबाव डाला गया या उनकी तस्दीक की गई जिसकी वजह से वो भाग गए, उन्हें अपना वो स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। और अपना वो स्टेटमेंट वापस लेने के बाद ये कहना चाहिए कि उनके ऊपर किसी किस्म का सोशल मीडिया का दबाव नहीं था, बल्कि वो फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव ज़रूर था लेकिन ज़मीर का दबाव था। तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा कि टी ओ आर्स पढ़ कर सुनाए गए थे, यानी बताया गया उनको टी ओ आर्स क्या हैं, और इनमें तब्दीली का इख्तियार भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं कोई तब्दील भी नहीं कर सकता था उसमें, तो इसलिए जो है वो तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत की थी। तो काजी फ़ायद ईसा साहब अदालत के अंदर अगर मोहतरम जज साहब जो नंबर वन सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसी गलत बयानी होगी मुबैना तौर पे और अगर इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से सामने आएंगी तो ये अफसोसनाक होगा। और ये सूरत हाल जो है वो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, अगर अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने जो बयान हैं वो हकायक से मिलते जुलते नहीं होंगे तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे। पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ पे जो सबसे बड़े मुनसिफ़ हैं काजी फ़ायद ईसा साहब, उनको कोई भी बात करने से पहले उसके हकायक को ज़्यादा देखना चाहिए ताकि अदालत के अंदर जो बाकी लोग हैं वो भी ऐसी ही ज़िम्मेदारी को महसूस करें और अदालत के अंदर चीज़ें हकायक के मुताबिक हों, ना कि परसेप्शंस के मुताबिक हों। परसेप्शन पर बात नहीं करनी चाहिए कि तासुर क्या बन रहा है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। काजी साहब ख़ुद ये बात अक्सर करते भी हैं। काजी साहब एक घंटा बोले हैं और मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक मिनट बोले अतर मिनुल्ला साहब, लेकिन उनका एक मिनट जो है वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है उसके ऊपर भारी था, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो लोगों के दिल को लगी जाकर। अब आएँ आप इस बात की तरफ कि आज एक बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन कैसे है? मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, फिर मैंने आपको साइफर वाला केस भी बताना है अभी कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। और यही वो एक केस है जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकले तो फिर इमरान खान साहब जो है वो उनको घर जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सिर्फ यही है कि कोई ज़बरदस्ती कोई मामला डाल के कहीं पे लटकाया जा सकते तो लटकाया जा सके, लेकिन फिर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम जो है या उनकी कब्र जो है वो अब सिर्फ ऐसा लगता है कि एक सालाना प्रोग्राम के लिए रखी हुई है, एक इलेक्शन मुहिम के लिए रखी हुई है, या विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई है और सियासी फ़ायदे लेने के लिए भुट्टो का नाम इस्तेमाल किया जाता है। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर भुट्टो की पार्टी है तो देखिए कल इन्होंने फैसल वाडा को अपना सेनेटर मुंतखब किया है। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ये करते हैं तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कभी ना करते। क्या बेनज़ीर भुट्टो ये करती तो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि वो ये कभी ना करती। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये भुट्टुओं से छिन गई है और भुट्टुओं के हाथ से निकल कर जरदारियों के हाथ में चली गई है,
आज ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं है, आज ये आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी की पॉलिटिकल पार्टी है। शहबाज शरीफ वगैरह की तो हम बात ही नहीं कर सकते जमहूरियत के मामलों में, उनका तो सारा का सारा ख़ानदान जो है वो गैर जमहूरी रवैयों के अंदर पनप कर आगे बढ़ा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक दौर में आमिर के साथ थे, लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान है ये तो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। इनके बारे में आप जमहूरियत को इनके साथ जोड़कर आप देखते हैं तो जमहूरियत की तौहीन हो जाती है। देखिए ना, इन्होंने कौन कौन से नारे लगाए, वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, डेढ़ दर्जन वज़ीर आज़म फारिग कर दिए गए इस मुल्क में, हालांकि बीच में से एक दर्जन के करीब तो नवाज शरीफ साहब ने खुद फारिग किए हैं, इदारों की मुदाखलत बंद होनी चाहिए, ये इन्होंने बड़ा नारा उठाया। फिर इन्होंने NRO 2 ले लिया बाद में हुकूमत बना के, और जिस तरह इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए ये सारा पाकिस्तान जानता है। इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त होने के बावजूद इन्होंने कैसे हुकूमत बनाई ये भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि इसके ऊपर आलमी रिपोर्टें आ रही हैं, एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN ये नज़रियाती पोलिटिकल पार्टीज रही नहीं, ये सिर्फ इकतदार की पोलिटिकल पार्टीज हैं और ये इकतदार में इकट्ठे होकर आ गए हैं। एक सिग्नल जो है वो बड़े अरसे बाद कोई अच्छा मिला है पाकिस्तान में, और वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा जो है वो IMF के पैसों के साथ भी मशरूत होता है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है इसके ऊपर एक रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा आप देख लें कि जो समात हो रही है साइफर की, वहाँ पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि उन्होंने दलाइल दिए, बड़े मजबूत दलाइल दिए, और उन्होंने केस को उड़ा कर रख दिया। जजेस ने जो सवाल उठाए प्रोसिक्यूशन के पास, उनका जवाब भी नहीं था, और केस के अंदर इतनी सारी गलतियां और इतने सारे इबहाम पाए जाते हैं कि ये केस टिक नहीं पाएगा। तो ऐसी सूरत में सलमान सफदर साहब ने जब बहुत भरपूर दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि हाथी जब निकल जाए ना तो ज़रूरी नहीं होता कि दुम भी निकाली जाए, लिहाजा इस मामले के अंदर अब अदालत को फैसला सुनाना चाहिए, और वो सजा मुअत्तल करवाना चाह रहे हैं। और सलमान सफदर ये चाहते हैं कि ये मामला ईद से पहले हो, उन्होंने ये कहा कि ईद से पहले ईदी मिलनी चाहिए, दोनों फरीकैन में किसी को भी मिल जाए, यानी ये ईदी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाए इमरान खान की रिहाई की सूरत में, या फिर जज साहब फैसला दें कि इमरान खान साहब कसूरवार हैं उनको अंदर रखना है, यानी फैसला ज़रूर करें। सलमान सफदर साहब ने ये बात क्यों की कि फैसला ईद से पहले होना चाहिए, हर वो वकील ये चाहता है कि जल्दी फैसला हो जिसको ये पता हो कि फैसला उसके हक में आ रहा है। सलमान सफदर साहब ने इस केस को मेरिट्स के ऊपर जिस तरह उड़ा दिया है उसमें ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि अब ये केस टिक नहीं पाएगा, और उन्हें ये लगता है कि ईद के बाद भी अगर इसका फैसला होगा या ईद से पहले भी होगा तो वो इमरान खान के हक में होगा, शाह महमूद कुरैशी के हक में होगा। तो अब डिपेंड करता है अदालत के ऊपर कि वो ये फैसला ईद से पहले देती है या ईद के बाद देती है। बहरहाल प्रोसिक्यूशन जो है वो अब अपने दलाइल देगी, कुछ चीज़ें और होंगी, और उसके बाद ये मामला जो है वो इन फैसले की जानिब जाएगा। एक और फैसला आज हुआ है, महफूज किया गया 6 जून तक के लिए। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा था और लोअर कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर मामला भी वो जो दहशतगर्दी के मुकदमा बनाए जाते थे और फलां जगह पर आए तो फलां जगह पर फलां वकूआ हो गया, तो बहुत सारे आपको पता मुकदमा बनते थे, तो उनमें एक मुकदमे का फैसला आया, मैं पढ़ रहा था, और वो 6 जून तक के लिए फैसला महफूज कर लिया गया है। तो महफूज किया जाए तो फैसला देर तक के लिए भी महफूज होता है, फैसला फ्रिज में भी लग जाता है और उसको बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जो इकॉनमी के हवाले से खबरें आ रही हैं वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। पहले गुजरांवाला में NA 81, ये जो NA 81 है यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार बिलाल एजाज जीते थे और 7,000 से ज़्यादा की इनकी लीड थी। बाद में जो रिकाउंटिंग की गई उसमें 10,000 वोट ही इनका फारिग कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और फिर मुस्लिम लीग के अदर कयूम नारा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। अब ये मामला गया अदालत में, और ट्रिब्यूनल के अंदर जब मामला गया तो मैंने आपको कहा इंसाफ होगा क्योंकि दर्जनों केसेस अदालतों के अंदर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको और केसेस बता देता हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो ताज़ा केसेज लगे हैं उसमें NA 28 का भी एक केस लग गया है, PK 74, 75, 78 और 101, और PK 102 के नतज भी चैलेंज कर दिए गए हैं कि DORs ने और ROs ने नतज तब्दील किए, इसलिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतज मुरतब किए जाएं। ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, पंजाब में बहुत डेवलपमेंट इसमें पहले हो चुकी है। तो अगर अदालतें इंसाफ देना शुरू करेंगी तो ये बात आप याद रखिएगा कि बड़े पैमाने पर नशस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलेंगी और PMLN की ज़्यादा नशस्तें कम होंगी। 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके अंदर मैंडेट तकसीम किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, यानी और भी बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं लेकिन बड़ी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें सबसे बड़ी पार्टी जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट गया और उनको तरीके इंसाफ की सीटें दी गई वो PMLN है। दूसरे नंबर पर
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, यानी इन दोनों के अंदर मुकाबला किसने ज़्यादा सीटें ली हैं। लेकिन ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं इनके साथ तो बात नहीं होनी, ये तो बेनिफिशरी हैं इस धांधली के। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ इमरान खान साहब की पार्टी बात कर रही है और ईद के बाद एक तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाते हैं, जैसा कि सलमान सफदर साहब कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने अपने मुंह से कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए वो इस नौयत के हैं और उनके अंदर सजा इस तरीके से दी गई है कि जैसे ही वो अदालत में जाएंगे मेरिट के ऊपर ये केसेस फारिग हो जाएंगे और ये केसेस के अंदर कुछ नहीं बचेगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने अपने मुंह से कहा है। अब जब राणा साहब भी मान रहे हैं, खुद कानूनदान भी हैं, वजीर कानून भी वो रह चुके हैं, वजीर दाखिला भी वो रह चुके हैं और उनको कानून का पता भी है, खुद लॉयर भी हैं, तो जब वो खुद मान रहे हैं, बदतरीन मुखालिफ इमरान खान का तस्लीम कर रहा है कि उसके ऊपर केसेस झूठे हैं, तो फिर आप अपने जहन में रखिए कि इमरान खान को बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो ईद से पहले बाहर आ जाते हैं तो ईद के बाद जो तहरीक चलने वाली है वो कितनी ह्यूज होगी, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। तो अगर ज़मीनी हकाइक को आप देखें फिर तो आपको लगता है कि इमरान खान को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा और इमरान खान का अंदाज़ा दुरुस्त है कि 4-5 माह 6 माह लगेंगे। लेकिन अगर आप देखें कानूनी हकाइक को तो फिर आपको पता चलता है कि इमरान खान को तो फ़ौरन बाहर आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा बार बार किया जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, इब्राहिम खान साहब के बारे में, और बार बार कहा जा रहा है कि इन्होंने जब पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो हमाद अदर को 51 केसेस के अंदर ज़मानत मिल गई फटाफट और यहाँ से इंसाफ मिल जाता है, रादरी रिमांड मिल जाता है, रादरी जो है वो ज़मानतें मिल जाती हैं। तो भाई वो तो सारी अदालतों से मिलती हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए निज़ाम चल के एयरपोर्ट गया था तब कोई नहीं बोला, अब सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। सवाल उन्होंने उठाया काजी फायदी साहब से, तो जैसे ही काजी फायदी साहब के बारे में कोई सवाल उठाया जाए, कोई बात की जाए, कोई नुक्ता रेज किया जाए, काजी साहब ने कोई बात की हो उसकी इसलाह करने की कोशिश की जाए या उसके अंदर से बताया जाए कि फैक्ट इसके खिलाफ है, तो फौरी तौर पे PMLN के हमारे दोस्तों के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनमें आग लग जाती है, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो भड़क जाते हैं। ये नेक्सस समझ नहीं आ रहा मुझे, यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, मेरे भी चीफ जस्टिस हैं, वो मुतीउल्लाह जान के भी चीफ जस्टिस हैं, वो साबिर शाकिर के भी चीफ जस्टिस हैं, वो अबसार आलम के भी चीफ जस्टिस हैं, वो हामिद मीर के भी चीफ जस्टिस हैं। अब मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के चीफ जस्टिस हैं। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग रहते हैं, वो सबके चीफ जस्टिस हैं। तो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी उनको लेकर इतनी हसास क्यों है, वो उनको एक अपने एसेंट के तौर पे क्यों लेती है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून काजी फायद ईसा को अपना एसेट क्यों समझती है। जैसे ही काजी फायद ईसा साहब के बारे में कोई सवाल उठाया जाता है ये छलांगें मारना शुरू कर देते हैं, ये फुदकना शुरू कर देते हैं, इनको आग लग जाती है, इनको परेशानी शुरू हो जाती है। भाई काजी फायद ईसा साहब पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनकी सही बात को सही कहने का और उनसे मंसूब किसी गलत बात को गलत कहने का हर पाकिस्तानी को हक है, और ये हक जब वो इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN वो क्यों भड़क जाती है और अपने एक एसेट के तौर पे काजी फायद ईसा साहब को क्यों ट्रीट करती है। मैंने पहले भी कहा था कि काजी फायद ईसा साहब को चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी से अपने आप को निकालें, उनको जानबूझकर मुतनाज़े बनाया जा रहा है और जानबूझकर एक पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है अपने गलत मकासद के लिए। उनका जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है लेकिन उसके शायन शान ये काम नहीं हो रहा। एक और रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, और इन्होंने जो रिफॉर्म्स का एजेंडा जो एक शाया किया है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि 5 सालों में पाकिस्तान को $120 अरब का बैरूनी कर्जा चाहिए होगा। आप IMF से जब पैसे मांगते हैं ना तो आपको 3-4-5 अरब 7 अरब का मैक्सिमम 8 अरब का आपको एक मनसूबा 3 साल के लिए मिल जाता है। जो दूसरे मुल्कों से आप पैसे मांगते हैं कोई आपको $1 अरब देता है, कोई $2 अरब देता है, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं देता। 5 साल में पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट पाकिस्तानी इदारा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक $120 अरब पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे हम हासिल करेंगे और ये पता कितना पैसा है। ये इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़र मुबादला के जो हमारे टोटल ज़खायर हैं ना उनसे 126 से 274% ज़ायद है, और पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत इस वक्त ये है कि यही रिपोर्ट बता रही है कि निज़ाम को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, सरमायाकारी की शरह के अंदर जो है वो GDP के लिहाज से बहुत ही कम है सरमायाकारी की शरह, और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट जैसे ख़तरात का सामना इस मुल्क को रहेगा।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि मौजूदा हालत में पाकिस्तान को सख्त फैसलों की ज़रूरत है। ये तो होगी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक जो सख्त फैसलों की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई पड़ेगी, पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर, पाकिस्तान के ताजिर के ऊपर, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अब वाशिंगटन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, IIF, एक बहुत बड़ा इदारा है और ये दुनिया के सबसे बड़े तजारती और सरमायाकारी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और सरमायाकारी के इंतजामी इदारों पर मुश्तमिल मालियाती इदारों का एक आलमी इदारा है IIF। उसका ये कहना है कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत और इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान मौजूदा माली साल में अहदाफ हासिल ना करने की राह पर पाकिस्तान गामजन है, और अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मईशत और उसकी इस्लाहात हैं। क्या ये पाकिस्तान कर पाएगा? जो हालात हैं उसमें तो ये बहुत मुश्किल है। और IIF ने कहा कि सियासी तनाव और गैर मुस्तहकम सियासत पाकिस्तान को दरपेश खतरात में इजाफा करेगी। इंतखाबात के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद की गई, नतायज के इजरा में ताखीर की गई, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और एक बहुत बड़ा बम धमाका भी हुआ था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें अलाट करने में नाकामी से भरे इलेक्शन ने मुल्क के अंदर तनाव को बढ़ा दिया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हुई है, जिस तरह की धांधली हुई, जो हालात पैदा किए गए, उससे मुल्क के अंदर एक सियासी तनाव बढ़ रहा है। और एक और उन्होंने जुमला ये लिखा कि इसका कहना था कि ये वादे है कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं और यही बात ताकतवर फ़ौज और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए हुए है। डॉन न्यूज़ ने इस खबर को छापा है, मैं डॉन न्यूज़ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और रिपोर्ट में दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी के बढ़ते रहने की तवक्को जाहिर की गई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सियासतदानों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन का एक दौर शुरू हो सकता है, और उसके साथ साथ मखलूत हुकूमत की कमज़ोरी भी इसमें शामिल है। अब ये जो सारी चीज़ें बता रही है आलमी रिपोर्ट, इसके अंदर और बहुत कुछ भी है, आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं निकाल के। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इकॉनमी की हालत आने वाले दिनों में बेहतर नहीं रहेगी, और अगर ये ज़्यादा ख़राब होती है तो मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो मईशत की स्टेबिलिटी है वो जुड़ी है सियासी स्टेबिलिटी के साथ। सियासी इस्तेहकाम क्या पाकिस्तान में आएगा? जो कुछ हो रहा है इससे तो दिखाई नहीं दे रहा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।